आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में जहां देवता नहीं देते भक्तों को दर्शन। जी हां, भारत देश में एक से बढ़कर एक मंदिर है जो अपनी अलग ही विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी मान्यता है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कहानियां और विश्वास चौंका देने वाले हैं। कुछ मंदिरों से ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं जिन्हें मानना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, तो कुछ मंदिर अपनी गोद में कई राज समेटे हुए हैं। किसी मंदिर में खजाना दबे होने की बात कही जाती है, तो कहीं किसी मंदिर में साक्षात भक्तों को भगवान के होने का आभास होता है। यूं तो आपने भी हमारे देश में स्थित मंदिरों से जुड़ी कई अद्भुत कहानियों को सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भक्तों का प्रवेश ही वर्जित है। हम बात कर रहे हैं लाटू देवता मंदिर की, जो देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में देवाल नामक ब्लॉक में वाण नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र सतह से 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित विशाल देवदार वृक्ष के नीचे एक छोटा मंदिर है। जी हाँ, इस मंदिर में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सेलिब्रिटी हो या कोई राजनेता, आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी पूजा अर्चना करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को इस मंदिर में आना मना है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के पुजारी को भी आंख नाक और मुंह पर पट्टी बांधकर देवता की पूजा करनी पड़ती है। जो भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें मंदिर परिसर से लगभग 75 फीट की दूरी पर रहकर पूजा पाठ करना होता है और यहीं से वो अपनी मनचाही मुराद भी मांगते हैं। लाटू देवता को स्थानीय लोग आराध्य देवता मानते हैं। राज्य में यह देवस्थल लाटू मंदिर नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ लाटू देवता की पूजा होती है। यहाँ रहने वाले वासियों के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की आराध्य नंदा देवी के धर्म भाई हैं। दरअसल वाण गांव प्रत्येक 12 वर्षों पर होने वाली उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का 12वां पड़ाव है। यहां लाटू देवता वाण से लेकर हेमकुंड तक अपनी बहन नंदा देवी का अभिनंदन करते हैं। वाण में स्थित लाटू देवता के मंदिर का कपाट साल भर में एक ही बार पूर्णिमा के दिन खुलता है। इस दिन यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है। लाटू देवता मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं किए जाते हैं। इस दिन पुजारी इस मंदिर के कपाट अपने आंख मुंह पर पट्टी बांधकर खोलते हैं। देवता के दर्शन भक्त दूर से ही करते हैं। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब विष्णु सहस्त्र नाम और भगवती चंडिका पाठ का आयोजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इस मंदिर के अंदर जाना वर्जित है। दरअसल इस मंदिर में स्वयं नागराज अपनी अद्भुत मणि के साथ विराजमान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में नागराज अपनी अद्भुत मणि के साथ रहते हैं, जिसे आम लोग नहीं देख पाते। पुजारी भी नागराज के महान रूप को देखकर डर न जाएं, इसीलिए वे अपने आंख पर पट्टी बांधते हैं। यह भी मानना है कि मणि की तेज रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। न तो पुजारी के मुंह की गंध देवता तक और न ही नागराज की विषैली गंध पुजारी के नाक तक पहुंचे, इसीलिए पुजारी नाक मुंह पर पट्टी लगाते हैं। लाटू देवता के विषय में ऐसी पौराणिक कथा है कि जब देवी पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ, तो इन्हें विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इसमें चचेरे भाई लाटू भी शामिल थे। मार्ग में लाटू को इतनी प्यास लगी कि पानी के लिए इधर उधर वे भटकने लगे। इस बीच लाटू देवता को एक घर दिखा और पानी की तलाश में घर के अंदर वे पहुंच गए। घर का मालिक बुजुर्ग था। बुजुर्ग ने लाटू देवता से कहा कि कोने में मटका है, पानी पी लो। घर के अंदर कांच के घड़े में जान यानी स्थानीय स्तर पर बनने वाली कच्ची शराब और मिट्टी के दूसरे घड़े में पानी था, लेकिन वह कच्ची शराब इतनी स्वच्छ रहती है कि लाटू देवता उसे साफ पानी समझकर पी लेते हैं। जब लाटू देवता को पता चलता है कि उन्होंने पानी की जगह शराब पी ली है, तो कुछ ही देर में मदिरा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं
और लाटू देवता को कैद में डाल देती हैं। देवी पार्वती के आदेशानुसार लाटू देवता को हमेशा कैद में ही रख दिया जाता है और आज भी लाटू देवता एक विशाल सांप के रूप में यहीं पर साक्षात विराजमान है और जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर के दर्शन करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं लाटू देवता। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।